तो दोस्तों हमें सबसे पहले गूगल पर पासपोर्ट सेवा लिखना है। उसके बाद जो वेबसाइट खुलेगी पासपोर्ट पोर्टल इंडिया डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर कीजिए। अगर आप ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं तो वो उसमें आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन में जाना होता है। तो अभी हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर से आपको चूज़ करना है जहाँ से आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी हम दिल्ली से देख लेते हैं, हम दिल्ली से पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पर डालिए, उसके बाद सरनेम यहाँ पर डालिए और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा मेल आईडी जो भी है आपकी वो ही डालिए। उसके बाद ये पूछता है क्या आप लॉगिन आईडी जो है मेल आईडी ही बनाना चाहते हैं, तो अगर ऐसा है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने लॉगिन आईडी बना सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड की पॉलिसी आप ज़रूर देख लीजिए, जो भी इधर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट ये है, पासवर्ड के अंदर आपके जो है 0 to 9 एक कम से कम एक डिजिट हो और कम से कम एक लोअर केस में अल्फ़ाबेट हो और एक अपर केस में आपका एक अल्फ़ाबेट हो, और इसकी जो लेंथ है कम से कम 8 और मैक्सिमम 14 करेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। इसके बाद जो है आपका पूछा जाता है कन्फर्म पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड यहाँ पर डाला है वही पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना होगा। नेक्स्ट इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन चूज़ करना है, जैसे कि आप कई बार पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप हिंट क्वेश्चन से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो बर्थ सिटी मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। इसके बाद जो भी आपकी बर्थ सिटी है या फिर कोई दूसरा फेवरेट कलर आप डालना चाहते हैं तो हिंट आंसर में आप उसको मेंशन कर दीजिए। इसके बाद जो है आपका कैप्चा फिल करना होता है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जब आप रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको मेल आईडी पर जाना होगा, जो मेल आईडी आपने यहाँ पर प्रोवाइड की थी। उस पर जाने के बाद आपको उस लिंक को एक्टिवेट करना होगा और फिर से आपको दोबारा लॉगिन करना होगा एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, क्योंकि अब आप रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन में जाकर आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी होगी। जब आप एक बार रजिस्टर कर देते हैं तो आपको इस तरह का मैसेज शो होता है जो कि आपको बोलता है कि आपको एक्टिवेट करना है जो आपने मेल आईडी प्रोवाइड की हुई है। नहीं किया है तो ये 5 मई तक ये दिखा रहा है कि ये वैलिड रहेगा, तो आपको उससे पहले ये लिंक एक्टिवेट करना होगा। अब आप देख सकते हैं ये मेल मेरी मेल आईडी पर आया हुआ है और इसको नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करके देख सकता हूँ, एक लिंक आया हुआ है इसको एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है जो आपने चूज़ की थी, यहाँ पर वो फिल कर दीजिए। आप जब एक बार लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ से आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर स्टेट चूज़ की से अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिए, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट है। और अब जो भी आप पासपोर्ट अगर रीइशू कर रहे हैं तो रीइशू पर क्लिक कीजिए, अगर फ्रेश पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कीजिए। तो अभी हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और हम अगर चाहते हैं कि तत्काल में आए हमारा पासपोर्ट विद इन 1 वीक आए तो हम तत्काल को चूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है पासपोर्ट अथॉरिटी में जाके, लगभग 2000 आपको पे करना होता है। अदरवाइज़ नॉर्मल कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 1500 रुपये है, और तत्काल में अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा देना होता है। तो यानी कि 2000 और 1500 लगभग 3500 रुपये आपको पे करना होता है। तो उसके बाद आपको नॉर्मल कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद आप जो भी पासपोर्ट जितने भी पेजेस का पासपोर्ट चाहते हैं 36 या 60 वो चूज़ कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है अपनी, तो यहाँ पर अपना नेम फिल कीजिए, उसके बाद जो भी आपका सरनेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है ट्रांसजेंडर तो वो भी आपको चूज़ करना है। इसके बाद हैव यू एवर बीन अनोन बाय अदर नेम, तो आप किसी अदर नेम से जाने जाते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए। हैव यू एवर चेंज बाय योर नेम, क्या आपने पहले कभी आपने पहले कभी अपना नेम चेंज किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। इसके बाद पूछा गया है कि इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया है, तो यस कीजिए, अगर आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो क्लिक कीजिए। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर,
तो यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ का नाम मेंशन करना है। इसके बाद आपको स्टेट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल, मैरिड, डिवोर्स जो भी हैं यहाँ पर से चूज़ कीजिए। इसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, हमारी जो सिटीजनशिप है इस देश में वो कब से है, तो बाय बर्थ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर बाय बर्थ मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके अलावा जो है पैन कार्ड है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप प्रोवाइड करा सकते हैं, अदरवाइज़ मैंडेटरी नहीं है। सिमिलरली वोटर आईडी के साथ भी है, वोटर आईडी अवेलेबल है तो उसका आप यहाँ पर नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में, अगर आप गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो आपकी क्या पढ़ाई आपने की हुई है, आप ग्रेजुएट हैं या उससे ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप सेवन्थ पास या उससे कम है तो इस पर क्लिक कीजिए, और टेंथ पास हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपका नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनता है, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो ईसीआर पासपोर्ट बनता है। जो दसवीं या दसवीं से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लोग हैं वो नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपकी बॉडी पर कोई भी मार्क है तो यहाँ पर उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ पर मेंशन कीजिए, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, उसके बाद आप सेव माय डिटेल्स करके पर सेव कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको एंड में भी सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना हो। अब हम सेकंड पेज पर आ गए हैं। सेकंड पेज में आपसे फैमिली डिटेल्स मांगी गई है, आपका जो भी फादर नेम है वो यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए, फर्स्ट नेम प्रोवाइड कीजिए, सरनेम प्रोवाइड कीजिए, अगर मिडिल नेम है तो फर्स्ट और मिडिल नेम साथ में ही प्रोवाइड कर दीजिए। अब नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शन जो है मदर्स गिवन नेम पूछा गया है, इसमें आपको यहाँ पर सिमिलरली फर्स्ट नेम, मिडिल नेम प्लस सरनेम नीचे प्रोवाइड करना है। इसके बाद आप सेव माई डिटेल्स या फिर नेक्स्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछा गया है, इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर क्या आपका एड्रेस इंडिया से बाहर है तो आपको यस क्लिक करना है, अदरवाइज़ नो पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड कराना है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद आपका जो विलेज, टाउन, सिटी जो भी है आपका वो यहाँ पर नाम पर प्रोवाइड कराइए। उसके बाद आप स्टेट चूज़ कीजिए, इसके बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस स्टेशन है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अपना जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वही प्रोवाइड कीजिए। इसके बाद अपना मेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिए, टेलीफोन नंबर है तो प्रोवाइड कर दीजिए, अदरवाइज़ मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है मतलब कि आप टेम्परेरी कहीं पर रहते हैं, कभी दूसरी जगह रिलोकेट होते रहते हैं तो नो क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यस कर दिया है, और ये पूछा गया उसके बाद कि प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है जो कि परमानेंट एड्रेस है, तो मैंने यस कर दिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जो भी आपके रिलेटिव एमरजेंसी कॉन्टैक्ट के मैं आपको प्रोवाइड करना होता है वही कॉन्टैक्ट नंबर, इन केस कोई भी इमरजेंसी आती है, मान के चलिए आपको वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो जिससे अगर आपका कोई कॉल नहीं लग रहा है तो वो दूसरे नंबर पे कॉल कर सके इन केस ऑफ वेरिफिकेशन और समथिंग, तो आपको यहाँ पर नेम और एड्रेस और मोबाइल नंबर वो प्रोवाइड करा देना है। उसके बाद मेल आईडी है तो प्रोवाइड कर दीजिए, अदरवाइज़ मैंडेटरी नहीं है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पूछा गया कि क्या आपके पास कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये मेजरली तिब्बती जो लोग होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है, और अगर आपके पास है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए। बाद आपसे पूछा गया कि अगर आपके पास कोई करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर आपके पास ऑफिशियल कोई पासपोर्ट है तो आपको उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। ये मेजरली पासपोर्ट्स उन लोगों के लिए होते हैं जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, उनका अलग कलर का पासपोर्ट होता है मेजरली, वो वाइट कलर का, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका रेड कलर का पासपोर्ट होता है। तो ये अगर जो नॉर्मल लोग हैं वो यहाँ पर जाएंगे, डिटेल्स नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। इसके बाद पूछा गया है हैव यू एवर अप्लाइड और फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, कि आपने पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है और पर वो इशू नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है कि हमने पहले कभी पासपोर्ट नहीं अप्लाई किया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस आपको देख लेने हैं जो आपके अकॉर्डिंग है, आपको पढ़िए और उसको यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जो
आपकी एक रफली डिटेल्स क्रिएट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स ओके है, क्योंकि ऐसा ही पासपोर्ट पर प्रिंट होगा। जब आपका फाइनली ओके हो जाएगा पासपोर्ट आफ्टर वेरिफिकेशन, तो आपका प्रिंटिंग होने के बाद ऐसा ही लगेगा। यहाँ पर फ़ोटो आपका होता है। जब आप एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सारी डिटेल्स, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आप प्रूफ ऑफ बर्थ में क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो यहां पर चूज़ करना है। तो मैंने यहां पर आधार कार्ड चूज़ कर लिया है। उसके बाद यहां पर एक और मैं डॉक्यूमेंट चूज़ कर लेता हूं। तो मैंने दूसरा एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ कर लिया है। इसके बाद आपको यहां पर यस कर देना है कि आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से, पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरफ से आपको मैसेजेस आते रहे हैं कि क्या अपडेट हो रहा है आपके पासपोर्ट पर, तो आप यस कीजिए। अगर आप ये सर्विस नहीं लेना चाहते तो आप उसको नो क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर नो क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर प्लीज़ मेंशन कर दिया। इसके बाद आई एग्री कीजिए। आई एग्री के बाद सेव माई डिटेल्स को यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनली आपको सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करना होगा, अदरवाइज़ आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो एक बार मैंने सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर दिया है। सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दो मोड्स होते हैं, आप चाहें तो SBI में चलान आप पे करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उससे पेमेंट कीजिए। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करने के बाद, इसके बाद आप नेक्स्ट पर जाइए। नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी लोकेशन चूज़ कीजिए। ये सेंटर्स रहेंगे, जैसे दिल्ली हमने चूज़ किया है, तो दिल्ली में अवेलेबल सेंटर्स ये हैं, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर सेंटर। तो मैं शालीमार बाग से चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। बाद आपसे पूछा जाता है आप किस डेट की आप अपॉइंटमेंट लेंगे। तो यहाँ पर जो अवेलेबल स्लॉट्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये रेड वाले स्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। जो अवेलेबल हैं ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के अंदर है। तो 20, 23, 24, 26, 25, 26 इस डेट्स के अवेलेबल हैं मई के अंदर। तो कोई भी पर्टिकुलर डेट आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपको मैं बता ही चुका हूँ क्या क्या मोड्स हैं, इनमें से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप पेमेंट कीजिए, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए।